हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्वेज। जो है आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रैक्टिस सेट 4.5 का पार्ट 1 है ये वीडियो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारे चैनल के प्रैक्टिस सेट 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 चाहिए, उसका भी लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। और इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस 4.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे कॉन्सेप्ट के साथ। जिस प्रैक्टिस सेट 4.5 का कॉन्सेप्ट हम लोग शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलवा दूँ, हमने किया था अभी थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज प्रैक्टिस सेट 4.4 में, वही थ्योरम हमें आज प्रैक्टिस सेट 4.5 में भी काम आएगा, इसलिए प्लीज़ उसे याद रखिएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी। और हमने अभी तक हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे हैं, और अभी इस प्रैक्टिस सेट में है एक कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अभी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? इन द टू रेशियोज द सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रेशियो इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड रेशियो, देन दैट नंबर्स आर सेट टू बी इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब अगर दो इक्वल रेशियोज हैं और उनमें से आप बोल सकते हो इक्वल रेशियोज, यानी कि वहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही होंगे दोनों साइड में, तो अगर पहले रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो सेकेंड रेशियो के जो न्यूमरेटर से इक्वल है तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। अभी मैं अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में बोलूँ तो वो होता है ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, यानी कि पहले रेशियो का डिनोमिनेटर और दूसरे रेशियो का न्यूमरेटर ये दोनों ही इक्वल है, दोनों रेशियोज में एक कॉमन है बी, है ना। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि देन ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, जो तीन नंबर्स है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, और जो बीच वाला होगा वो मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम उसे, हाँ उसे हम मीन प्रोपोर्शनल बोलते हैं, क्योंकि वही दोनों में आता है, ए अपॉन बी भी है और बी अपॉन सी में है, तो यानी कि दोनों रेशियोज में आ रहा है बी, तो हम उसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल और ज्योमेट्रिक मीन। इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो अगर ए बी और सी ये तीनों ही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए सी, ये कैसे हुआ? आप देख सकते हैं a अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू सी और b इंटू बी होता है, तो देयरफॉर b इंटू बी इज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इंटू सी। b इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन और मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड c, प्लीज रिमेंबर दिस। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कन्वे द मीनिंग, सेम मीनिंग, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू b अपॉन सी दैट वी सॉ नाउ, फिर हमने ये भी देखा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी भी हम लोग लिख सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग को अप्लाई करना है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर कुछ है तो ये इसका मदद ले सकते हैं। फिर उसे इस तरह भी लिखा जाता है ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इससे हमें मालूम पड़ता है बी मीन प्रोपोर्शनल है क्योंकि वो बीच में, बी इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी, बी इज़ द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, उससे भी वही मतलब निकलता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर के मेथड, जिसके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा भी होगा शायद। के मेथड क्या होता है? जहाँ हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स में रेशियोज को इक्वल टू के, कुछ इक्वल रेशियोज वो किसी नंबर से इक्वल होगा उसे हमने लेट दैट नंबर बी के लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सीखते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन इक्वल रेशियोज कैन बी सॉल्व बाय अनदर मेथड नोन एज द के मेथड। In this method, we assume that each of the given ratios is equal to k. So, not only with theorem on equal ratios, we can also solve the problems on equal ratios with the method of k method. So, here, इस method में we assume that each of the given ratios is equal to k. मतलब जितने भी ratios दिए, वो सभी एक number से equal होंगे जो कि है k.
when the four numbers A, B, C and D are in proportion, then A upon B is equals to C upon D is equals to K. Therefore, A is equals to BK and C is equals to DK. That is cross multiplication, you know. क्योंकि A upon B और K के नीचे कुछ नहीं तो 1. तो A upon B और K is K upon 1 is equals to K upon 1, ये हम लोग अलग से लिख सकते हैं. तो जब cross multiply करेंगे A into 1 होगा और B into K होगा. तो therefore, A is equal to BK. फिर अगर C upon D और K upon 1 को अलग से लेंगे तो हमको मिलेगा C is equals to DK. That's we know it. When the numbers A, B and C are in continued proportion. अब जब continued proportion में है तो अगर हम उस A, B, C अगर continued proportion में आपको अगर किसी ने बोला तो आप कैसे उसे represent करोगे? आपको लिखना होगा A upon B is equals to B upon C. और उसमें हमने अगर लिख दिया कि is equals to K, तो therefore B is equals to CK. Equation number 1 हम लोग calculate करते हैं तो हमको ये मिल जाएगा कि B is equals to CK. सिंपल है. यहाँ पर B upon C को सिर्फ K से K upon 1 से लिया तो 1 into B and K into C हो जाएगा. तो therefore B is equals to CK. Equation number 1 mark कर दिया. अब बात रही उसके बाद अगर हम लोग सिर्फ A upon B और K upon 1 को अलग से लेते हैं तो हमको मिल जाएगा A is equals to BK. और हमने यहाँ पर मार्क किया था इक्वेशन वन में कि B इज इक्वल्स टू सी के. तो यहाँ पर जो B है उसकी जगह हम लोग सी के भी लिख सकते हैं. तो ब्रैकेट में डाल देंगे सी के इंटू के, ए इज इक्वल्स टू सी के इंटू के. हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ए इज इक्वल्स टू सी के स्क्वायर, सी के इंटू के इंटू के इज के स्क्वायर. नाउ लेट्स गो टू प्रैक्टिस सेट 4.5. हम लोग ये सब नॉलेज का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. Which numbers should be subtracted from 12, 16 and 21 so that resulted numbers are in continued proportion? Uska solution mein hum log sabse pehle kya karna hai, let the number to be subtracted be x. Ab jaise ki question mein mention kiya gaya hai ki hum log ko kaun sa number aisa hai jise agar hum log in teenon numbers se subtract karenge, teeno se karna hai to ye teenon number ka jo baad mein subtract karne ke baad jo bhi number hoga वो हम लोग को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मिलेंगे. तो अभी हम लोग को वो नंबर ढूंढना है तो हमने उसे x ले लिया. अब जब अगर इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो तीनों ये हो जाते कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 12 माइनस x, 16 माइनस x एंड 21 माइनस x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्योंकि x ही वो नंबर है. अब हम लोग को x ढूंढना है. 12 माइनस अब ये तीनों कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ चुके हैं तो हम लोग उसे ऐसे भी लिख सकते हैं 12 माइनस एक्स अपॉन 16 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स अपॉन 21 माइनस एक्स. देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पर डिविडेंडो अप्लाई करेंगे. आई होप कि आपको याद है व्हाट इज डिविडेंडो, कंपोनेंडो, कंपोनेंटो, डिविडेंडो. तो डिविडेंडो में क्या होगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर हम लोग को जो न्यूमरेटर है उससे माइनस करेंगे डिनोमिनेटर से अपॉन डिनोमिनेटर. यहाँ पर भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर. अब अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट्स निकाल देते तो 12 माइनस एक्स माइनस 16 प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये साइन बदल जाएगा, बाहर माइनस है. यहाँ पर 16 माइनस एक्स माइनस 21 प्लस एक्स हो जाएगा क्योंकि साइन नीचे तो वैसे ही रहने वाला है. अब यहाँ पर हमने कैलकुलेशंस की, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल कर दिए, माइनस एक्स प्लस एक्स इस साइड भी कैंसिल कर देंगे. प्लस 12 माइनस 16 इज माइनस 4 एंड प्लस 16 एंड माइनस 21 इज माइनस 5. सो ये है हमारे पास बचा हुआ. अब दोनों ही साइड माइनस माइनस है दोनों साइड्स में तो हम लोग उसे कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी. तो हम लोग को ये मिल जाता है 4 अपन 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 अपन 21 माइनस एक्स. नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इससे और ये इससे. और अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर लोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 4. एंड अब प्लीज़ ऐसा मत लिख देना, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाएगा 4 की माइनस 4 कौन सा आंसर करेक्ट है. सो आपको स्मार्ट चेक भी कर सकते हैं आप लोग, उनसे माइनस करके आप देखने का कि वो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में आते कि नहीं. 12 माइनस माइनस 4, 16 माइनस माइनस 4, 21 माइनस माइनस 4 करेंगे तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आते हैं. तो देयरफॉर वो माइनस 4 ही है. तो प्लीज़ चेक इट इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट. माइनस 4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, 16 एंड 21 सो दैट द रिजल्ट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन.
क्वेश्चन नंबर टू ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.5। इफ 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन है कि अगर 28 माइनस एक्स मीन प्रोपोर्शनल है इन दोनों का, तो हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग को डायरेक्टली मेन प्रोपोर्शनल दिए गए हैं, लेकिन हम लोग को फाइंड आउट करनी है वैल्यू x की। तो द सॉल्यूशन बिगिंस, 28 माइनस एक्स इज द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स गिवन, दिस इज द गिवन। तो अब ये मेन प्रोपोर्शनल तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप, 23 माइनस एक्स या 19 माइनस एक्स में से कोई भी एक लीजिए और उसे ऊपर और नीचे 28 माइनस एक्स लिख दीजिए। हमने 23 माइनस एक्स अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स। अब हम अप्लाई करेंगे डिविडेंडो। फिर तो यहाँ पर आ जाएगा 23 न्यूमरेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यहाँ पर भी न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बाय डिविडेंडो। देयरफॉर अब हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट्स निकाल देते हैं, 23 माइनस एक्स माइनस ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाती है, तो माइनस 28 प्लस एक्स, यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा 28 माइनस एक्स माइनस 19 प्लस एक्स। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम 28 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स तो डिनोमिनेटर से सेम ही रहेंगे। अब यहाँ पर हम लोग माइनस एक्स और प्लस एक्स को कैंसिल करते हैं, यहाँ पर भी माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, 23 माइनस 28 इज़ माइनस 5, 28 माइनस 19 इज 9। सो हम लोग को मिल जाती है माइनस 5 अपॉन 28 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 19 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे कि हमने लास्ट सम में भी किया था। सो हम लोग को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 347 अपॉन 14। अब इस नंबर को देखकर आप सोच में मत पड़ जाना कि कौन से नंबर से डिविजिबल होगा, दिस इज़ नॉट डिविजिबल टू एनी नंबर, कुछ और कैंसिलेशंस नहीं हो सकते, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा। सो डोंट, इतना बड़ा नंबर देखकर बहुत बार लगता है कि रॉन्ग आंसर होगा, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ प्रैक्टिस सेट 4.5 इज, थ्री नंबर्स आर इन कंटिन्यूस प्रपोर्शन हुज मीन प्रपोर्शनल इज 12 एंड द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स इज 26, देन फाइंड दिस नंबर्स। सो व्हाट इट इज टेलिंग अस कि तीन नंबर कंटिन्यूस प्रपोर्शन में हैं और जिसका मीन प्रपोर्शनल 12 है और बाकी के जो दो नंबर है उनका एडिशन करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 26। अब हम लोग को तीन नंबर से एक नंबर पता है 12 है क्योंकि वो उसका मेन प्रपोर्शन है, बाकी के दो नंबर है उसका एडिशन हमको पता है जो कि है 26। तो देयरफॉर देन फाइंड द नंबर्स। तो पहली बात, हम लोग कोई एक नंबर को x ले लेते हैं बाकी दोनों में से, तो दूसरा वाला जो नंबर होगा अगर उसे हम लोग 26 माइनस x करेंगे तो वो मिल जाता है। देखिए अगर अज्यूम करिए एक नंबर है 14, तो अभी जो दूसरा तीसरा नंबर बाकी है तो 14 और एक नंबर उन दोनों का प्लस है 26। तो देयरफॉर अगर हम लोग 26 में से 14 को माइनस करेंगे तो हम लोग को वो थर्ड नंबर भी मिल जाएगा। तो वैसे ही अगर नंबर x है पहला नंबर तो वो जो थर्ड नंबर है वो 26 माइनस x होगा। सो देयरफॉर लेट द फर्स्ट नंबर बी x, थर्ड नंबर इज इक्वल टू 26 माइनस x और 12 इज द मेन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड 26 माइनस x, देयरफॉर x अपॉन 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन 26 माइनस x। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x इंटू 26 माइनस x इज इक्वल टू 12 इंटू 12, दैट इज x इंटू 26 इज 26x, x इंटू माइनस x इज माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इज 144। नाउ हियर यहाँ पर हम लोग करते हैं 26x को ये हमने यहाँ पर एक स्टेप मिसिंग है। हम लोग ने क्या किया, ये जो एक हमने क्या किया, ये जो यहाँ पर 26 माइनस एक्स स्क्वायर है इसे हमने इस साइड पूरा इस इन दोनों को ये साइड ले लिया ताकि साइन चेंज कर सकें, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम लोग ने ज़ीरो रखा है, कुछ तो रखना पड़ता है इज इक्वल टू की उस साइड हमने ज़ीरो रखा और यह वो हो जाएगा 144 प्लस 26 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पर हमें मिला था उसी को हमने उल्टा लिख दिया।
एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 144 इज इक्वल टू जीरो। जीरो इस साइड तो ये इस साइड था, उसकी जगह पे हमने उल्टा ये इस साइड रखा और इसे जीरो को इस साइड रख दिया, दैट इज नथिंग। सो अभी यहाँ पर हमें बस एक्स स्क्वायर माइनस 26 एक्स प्लस 144 इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स माइनस 8 एक्स प्लस 145 इज इक्वल टू जीरो हमें कैसे मिला? यहाँ पर आपको याद करने पॉलीनोमियल्स का कॉन्सेप्ट, जो कि आपको याद पता ही होगा कि माइनस 26 एक्स को अगर हम लोग मतलब उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव अस 18 एक्स माइनस 8 एक्स, और देयरफॉर आपको कॉमन लेना है इनमें एक्स से, इनमें भी इनमें हम लोग को कॉमन मिल जाएगा 8। तो देयरफॉर हम लोग को ये दोनों कॉमन्स मिल गए, 8 माइनस 18 और एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल्स टू 18 और एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो इसके हिसाब से हमको मिलता है एक्स इज इक्वल्स टू 18 या फिर एक्स इज इक्वल्स टू 8, कुछ एक है। ओके सो दोनों में से कोई एक नंबर है, तो थर्ड नंबर भी होगा 26 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 26 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 8 और 26 माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 18। तो द नंबर्स आर 18 12 8 और 8 12 18। सो इस तरह हमारे पास दो आंसर्स आ जाते हैं। तो ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन सिंपल है कि आपको याद रखना है दो आंसर्स भी हो सकते। क्वेश्चन नंबर 4 और प्रैक्टिस सेट 4.5। इफ ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शो दैट ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। सो यहाँ पर हम लोग को एक इक्वेशन दी है कि ए प्लस, इसका सोल्यूशन है ए प्लस बी प्लस सी इन टू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज गिवन। ए इन टू ए माइनस बी प्लस सी हमने क्या किया है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये। अब जब इतने सारे टर्म्स हैं वो क्या करने का होता है, ये जो एक टर्म है जो मल्टीप्लाई का है इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो इसका हर एक टर्म ए इस पूरे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, बी इस पूरे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा, सी इस पूरे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो वैसे ही हमने कर दिया, ए इंटू ए माइनस बी प्लस सी प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी प्लस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ये। अब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू ए इज ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी इज ए बी, ए इंटू सी इज ए सी, बी इंटू ए हम लोग बी ए नहीं लिखते, करेक्ट ऑर्डर में लिखते हैं, ए पहले आता है ना, तो ए बी, बी इंटू बी माइनस बी इज माइनस बी स्क्वायर, बी इंटू सी इज बी सी, पर यहाँ पर सी इंटू ए इज ए सी, सी इंटू माइनस बी इज माइनस बी सी, सी इंटू प्लस सी इज प्लस सी सी प्लस सी स्क्वायर। सो ये हमने कर दिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग ये देखें दोनों टू ए सी से, यहाँ पर ये एक ए सी है ये एक ए सी, दोनों को टू ए सी की तरह लिख देते हैं, एक फिर माइनस बी स्क्वायर, तो एस की और यहाँ पर प्लस माइनस ए बी और प्लस ए बी कैंसिल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर बाकी के जो टू ए सी है वो हमने लिख दिया, और यहाँ पर बी स्क्वायर भी हमने लिख दिया माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि यहाँ पर बचा था वो भी लिख दिया, और ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी भी कैंसिल हो गए। सो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं टू ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये कैसे लिखा हमने, अभी ये वाले ए स्क्वायर को यहाँ पर अगर लेके जाएंगे तो माइनस ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, फिर ये वाले माइनस बी स्क्वायर और ये वाले बी स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, क्योंकि दो नहीं कैंसिल कर सकते क्योंकि यहाँ पर साइड चेंज करेंगे तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएंगे, तो फिर दोनों ऐड हो जाते हैं, तो देयरफॉर हम लोग इसे कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन सी स्क्वायर को कर सकते हैं, यहाँ पर लेके जाएंगे तो ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो इसलिए हम लोग के पास सिर्फ टू ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बचा भी। फिर अब हम लोग यहाँ पर इस माइनस बी स्क्वायर को यहाँ पर लेके जाते हैं तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर, टू ए सी इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर, अब सिर्फ ए सी
अब दोनों साइड टू टू कॉमन है, हम लोग टू निकाल सकते हैं। फिर अभी यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी हम लोग को बच गया, और देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। हमें वही करना था। अब ये कैसे हुआ देखिए, हमने क्या देखा था कि ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी में ऐसे फॉर्म में होगा तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, या फिर उसके जगह पर अगर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी ऐसे फॉर्म में होगा तो वो भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ही है। सो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया है कि हम लोग को ये आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ चुके जो हमें करना था। अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे जाते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर फाइव पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, पार्ट वन में हमने इतना ही किया, आपको पार्ट टू मिल जाएगा। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पार्ट टू में हम लोग आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर सिक्स हम लोग पार्ट टू में देखेंगे।